इंग्लैंड की महिला क्रिकेटर्स ने आपस में रचाई शादी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुनीता और आप देख रहे हैं डीएनपी स्पोर्ट्स। इंग्लैंड की स्टार महिला क्रिकेटर्स नेट सीवर और कैथरीन ब्रंट शादी के बंधन में बंध गई हैं। दोनों ही खिलाड़ियों को इस पल के लिए 3 साल का इंतजार करना पड़ा। आपको बता दें कि इससे पहले दोनों ही खिलाड़ियों ने साल 2019 में सगाई की थी, लेकिन कोरोना महामारी के चलते दोनों ही स्टार प्लेयर्स को 3 साल का लंबा इंतजार शादी के लिए करना पड़ा। इंग्लैंड की हरफनमौला खिलाड़ी नेट सीवर और तेज गेंदबाज कैथरीन ब्रंट एक दूसरे को काफी समय से पसंद करती थी, लेकिन कोरोना महामारी के कारण जब लॉकडाउन हुआ तो दोनों ही खिलाड़ी काफी करीब आ गई थी और दोनों ने एक दूसरे से शादी भी अब कर ली है। अच्छी बात यह है कि इस समलैंगिक विवाह से दोनों ही खिलाड़ियों व उनके टीम मेंबर्स को कोई आपत्ति नहीं है। ये पहला मामला नहीं है जब दो महिला क्रिकेटर्स ने आपस में शादी रचाई हो। इससे पहले भी साउथ अफ्रीका की महिला क्रिकेटर्स वैन निकेक और मैरीजेन कैप भी आपस में समलैंगिक विवाह कर चुकी हैं। न्यूजीलैंड की हेली जेनसन और ऑस्ट्रेलिया की निकोला हेनकिक भी शादी कर चुकी हैं, तो वहीं न्यूजीलैंड की ही एमी सेदरवेट और ली ताहुहु भी एक दूसरे से शादी कर चुकी हैं और आपस में काफी खुश भी हैं। आपको बता दें कि हाल ही में न्यूजीलैंड में खेले गए महिला क्रिकेट विश्व कप में नताली सीवर का प्रदर्शन शानदार रहा था और नेट ने इंग्लैंड के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए थे। पूरे टूर्नामेंट के दौरान नेट सीवर के बल्ले से 72 से ज्यादा की औसत से 436 रन निकले थे। इसके अलावा कैथरीन ब्रंट के लिए ये टूर्नामेंट कुछ खास नहीं रहा था और ब्रंट को इस सीजन के 9 मैचेस में 4 विकेट ही मिले थे, लेकिन इंग्लैंड की टीम को फाइनल तक पहुंचाने में ब्रंट का काफी योगदान रहा था। खैर, कैथरीन ब्रंट और नेट सीवर ने अब एक नई पारी की शुरुआत कर दी है।